हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरा आप लोगों को पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। ट्रीटमेंट चल रहा है बट कोई इफेक्ट हो नहीं रहा है, बट चल रहा है ट्रीटमेंट। तो हालांकि आज मैं दूसरे टॉपिक पे आई हुई हूँ कि मेरी वीक देख के बहुत लोगों ने बोला था कि आपने वीक कैसे चूज़ की, आपके वीक का वीडियो बनाओ कि कैसे पहनते हैं। और नेहा गुप्ता मैम हैं, उन्होंने बोला था कि आप कैसे पहनते हो वो हमें दिखाओ, शायद हम गलत पहनते हैं, और आपकी विग भी दिखाओ। तो इसलिए मैं आज ऐसे आई हुई हूँ, ठीक है ना। तो पहली बात है, दो टाइप की विग आती हैं। एक सिंथेटिक विग होती है जो ह्यूमन क्रिएट करते हैं, वो आर्टिफिशियल होती हैं, और एक होती है नेचुरल विग होती है जो हमारे जैसे नेचुरल बाल होते हैं उनसे बनाई जाती है। बट जो नेचुरल हेयर वाली विग होती हैं काफ़ी कॉस्टली होती हैं, 10,000 तो मिनिमम उनका स्टार्टिंग ही होता है। तो वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और इनमें डिफरेंस तो ऐसे मैंने देखा है, सुना है कि जलाने से अगर स्मेल आती है तो ह्यूमन ईयर में आती है, और वैसे वाले में अलग तरह की आएगी, नहीं आती है ज़्यादा। तो एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि इसमें स्मेल कुछ ऐसा जलाने से ही होता है, आई डोंट नो। बट इतना है कि नेचुरल हेयर वाली विग तो अफोर्ड मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने नहीं ली है, तो मैंने सिंथेटिक हेयर वाली ही ली है। लेकिन ऑनलाइन में बहुत सस्ती सस्ती भी मिल रही थी। लेकिन क्या होता है प्रॉब्लम कि हमें नहीं पता कि किस टाइप की आएगी, ओरिजिनल हेयर लगेंगे कि एकदम ही नकली बाल लगेंगे, वो हमको फिट आएगी कि नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में। इसलिए मैंने सोचा कि सामने से जाकर ही लूँगी मैं। तो हालांकि मेरे को शॉर्ट हेयर वाली चाहिए थी, बट उनके पास सारे लॉन्ग हेयर की थी, उन्होंने कहा कि आप इसको कट करवा सकते हैं। तो ये है मेरी विग जो मैं लगा के इतनी स्टाइल मारती रहती हूँ, ठीक है ना। ये मेरी विग है जो कि एकदम नेचुरल हेयर लगते हैं, देखो बहुत नेचुरल लगती है ये। उसके बाद मैंने सामने से सारी विग ट्राई की, उसके बाद ये ली क्योंकि ये मुझ पर सूट हुई। सेकेंड चीज़, अगर आपको टाइट और लूज करना हो तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये स्ट्रेचेबल होता है एक्चुअली, तभी तो अपने सिर में आ जाता है ना फिटिंग के साथ। तो यहाँ से इसको निकाल के टाइट लूज किया जा सकता है, लेकिन मेरे तो प्रॉपर सही था तो मुझे नहीं करना पड़ा कुछ भी। और एक और चीज़ है कि ये जो विग लेते हैं, उन्होंने बोला था ऑनलाइन इसके नीचे एक वाइट कलर का नेट आता है वो पहनिएगा, उसके ऊपर इसको पहनना है ना, वो तो वो अच्छे से फिट भी हो जाता है, और प्लस इन्फेक्शन का भी डर कम रहता है। बट मैंने वो नहीं लिया अभी तक नेट। तो अगर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने एडवाइस तो मुझे यही किया था कि ये विक के नीचे, वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, हेयर विक के नीचे पहनने वाला जो नेट आता है ना वो लेके भी उसको पहन सकते हैं तो भी कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार लगा के दिखा देती हूँ आप लोगों को, देखो ऐसे पीछे से मैं लेती हूँ और ऐसे सामने की तरफ लगा लेती हूँ ये। अब इसको अपने हिसाब से सेट कर लो। हर विग में शुरू के 2-3 दिन में बहुत टाइट होती है, आपको अनकंफर्टेबल ही लगेगा। मुझे भी लगता था, मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पहन पाती थी। फिर धीरे 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 यूज़ करते करते अभी मैं 3-4 घंटे पहन लेती हूँ। ज़्यादा देर पहननी भी नहीं चाहिए क्योंकि टाइट होती है, इन्फेक्शन, ब्लड सर्कुलेशन सब चीज़ों का थोड़ा सा डर रहता है, तो ज़्यादा देर पहननी भी नहीं चाहिए, पर 3-4 घंटा तो इनफ है, मैं पहन लेती हूँ आराम से। तो इसमें ना उन्होंने बोला था कि ये वाले जो है ना इसमें सिर्फ कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल हेयर लेते हैं नेचुरल हेयर वाली विग, उसमें आप स्ट्रेट, कर्ली, कटिंग सब कुछ कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होंगे। इसमें अगर हमने मशीन लगाई, स्ट्रेट किया, कर्ल किया, तो ये बाल ख़राब हो सकते हैं इसलिए। बट ये विग भी इतनी सस्ती नहीं है, ये विग भी 5,000 रुपये की है, मैंने आपको प्राइस बता दिया, लेकिन ये बहुत नेचुरल लगती है, किसी को समझ में नहीं आती है ना। और मैं क्या बता सकती हूँ, मैं बस ये कहूँगी शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, उसको थोड़ा थोड़ा लगा के रखिए, रखिए थोड़ा थोड़ा लगाना स्टार्ट करिए, उसके बाद वो लूज हो जाएगी थोड़ी सी, फिर वो आराम से कंफर्टेबल रहेगी, ठीक है। तो यस, अपने हिसाब से इसकी स्टाइल भी बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया होगा। थैंक यू सो मच।